Om Shanti. वहाँ जिंदगी वहाँ किस कॉन्फ्रेंस में उसके अंतर्गत आज का जो सेशन है विजडम ऑफ पिताश्री ब्रह्मा बाबा, हम उनको प्यार से ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, तो उसमें आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे मंच पर आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल भाई साहब भी आए हुए हैं और गोदावरी दीदी जी भी आए हुए हैं। इन सब इन दोनों स्पीकर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोनों विभूतियों का फूलों से और बैजेस से स्वागत करें। मैं समझती हूँ आज का विषय आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत सुंदर विषय है। ब्रह्मा बाबा की क्या विजडम रही है, सोचिए इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी संस्था, चारों तरफ 40 देशों में 8,500 ब्रांचेस के द्वारा हमारी सेवाएं हो रही हैं, तो ऐसी कौन सी शक्ति इसके पीछे कार्य कर रही है, वो कौन सी महान आत्मा है जो अदृश्य है लेकिन अभी भी वो कार्य कर रही है, वो कौन सी शक्ति है जिनके बारे में आज हमारे सामने हमारे बीच बहुत अनुभवी वक्ता अपना प्रकाश डालेंगे। सौभाग्य की बात ये है कि आप दोनों ही महान विभूति उस परम शक्ति महान शक्ति के पालना में साकार पालना में पले हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो ऐसी शक्ति, उनको पहले से ही आभास हो गया था 80 वर्ष पूर्व। सोचने वाली बात है, इससे बड़ा प्रमाण क्या और क्या हो सकता है कि 80 वर्ष पूर्व कि उनको आभास हो गया था आने वाला समय बहुत क्राइसिस आने वाला है, आध्यात्मिकता का और जीवन मूल्यों का अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ने वाला है। पहले से उनको आभास हो गया था, जिसके कारण उसी लक्ष्य के साथ उन्होंने ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी। सोचिए कि भारत सुनने में हम सुनते आए हैं, बहुत समय से हम सुनते हैं, कई जन्मों से हम सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत देवभूमि कहलाता था। सुनते आए हैं ना, सभी सुनते आए, लेकिन वो भारत इस समय भारत की क्या हालत हो गई है, क्यों ऐसा हो गया है कि पहले से उनके मन में था कि इस खतरनाक समय के बाद ऐसी नई दुनिया आने वाली है। उसी उद्देश्य के साथ, उसी लक्ष्य के साथ उन्होंने इतना बड़ा कार्य शुरू किया। तो और अच्छी तरह से उनके बारे में हम अभी सुनेंगे आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल भाई जी से। आप मोहन सिंघल भाई जी इस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, आप संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं।
आप ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर हैं और जो हमारा इस विंग के जो मैगजीन निकलती हैं उसके आप संपादक भी हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए भाई साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के साथ आपने क्या सीखा और उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन पर हमारे सामने प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी। ओम शांति। आज हम जहाँ पर सब लोग बैठे हैं उस संस्था का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, एक सिंगल व्यक्ति से जो संबंध है, वास्तव में वह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वन मैन इंस्टीट्यूशन, कैसे बाबा ने यह संस्था की स्थापना की, किस प्रकार से यह संस्था ग्रो की, उसका संक्षिप्त इतिहास आज हम देखेंगे। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व, 1936 से, और जिनका आप देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा चित्र, यह इनकी जीवन कहानी, इस संस्था का इतिहास, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह ओतप्रोत है। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लगभग 140 देशों में विभिन्न सेवा केंद्र हैं, यह फैला हुआ है पांचों कॉन्टिनेंट्स में। बाबा भी साधारण व्यक्ति थे हम सब की तरह, उनका नाम था लेखराज, हैदराबाद सिंध, जो वर्तमान समय पाकिस्तान का हिस्सा है, उस समय अखंड भारत था, और सिंध में दादा कहा जाता है एल्डर ब्रदर को, तो सब उन्हें से दादा लेखराज जी या लखीराज बाबू के नाम से जाना करते थे। बाबा का भी एक परिवार था, जैसे सबका परिवार होता है, उसमें दो पुत्र और तीन पुत्रियां, वह अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाबा लौकिक परिवार के साथ हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, धन धान्य से परिपूर्ण सब होते हुए भी बाबा दान पुण्य आदि बहुत किया करते थे, और उनके घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। यह सब होते हुए भी बाबा को सदैव परमपिता परमात्मा की खोज रहती थी, एक सत्य की खोज, भगवान कौन है, क्या परिचय है उसका, और इस में सदा वह डूबे रहते थे। और इस प्रोसेस में बाबा ने लगभग 12 गुरु भी किए, एक के बाद एक गुरु। एक बार ऐसे ही बाबा बैठे हुए थे तो बाबा को एकाएक ही विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु चतुर्भुज उनके सम्मुख आए, वह दिव्य मूरत देखकर बाबा एकदम बहुत प्रसन्न हो गए, और विष्णु चतुर्भुज से उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे विष्णु चतुर्भुज कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे ही स्वरूप हो। ऐसा बाबा को अनुभव हुआ कि विष्णु चतुर्भुज से ऐसी आवाज़ आ रही है। बस यह बाबा का प्रथम जो साक्षात्कार था, उससे उसने बाबा को अंदर तक जैसे प्रकाशित कर दिया।
इसके बाद बाबा को एक दूसरा साक्षात्कार हुआ इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन का. बाबा ने देखा यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि एक तरफ एटॉमिक वार बाबा ने देखी, अणु युद्ध चल रहा है भयानक विभिन्न देशों के बीच में, और बहुत मानवता सृष्टि मनुष्य जैसे नष्ट होते जा रहे हैं. दूसरी तरफ बाबा ने देखा सिविल वार, कुछ देशों में विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच में सिविल वार हो रही है, वो भी खूनी नाहक खेल हो रहा है, और उसमें भारत भी बाबा ने देखा किस प्रकार से सिविल वार में चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं. और इस विश्व परिवर्तन के तीसरे दृश्य में बाबा ने देखा प्राकृतिक आपदाओं का, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं फ्लड है, कहीं सूखा है, और इस प्रकार से कहीं सुनामी आदि देख करके चारों तरफ विनाश का वातावरण हाहाकार मचा हुआ है. और बस ये हाहाकार देख करके ही जैसे बाबा के मुख से एकदम बस शब्द निकल गए, हे प्रभु बस बस कीजिए प्रभु बस कीजिए, और बस यह बाबा की आँखों से जैसे आंसू बहने लगे गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति. और यह सब दृश्य देखते हुए बाबा ने देखा किस प्रकार से ये एक तरफ इस सृष्टि के परिवर्तन का विनाश का दृश्य है, और दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का दृश्य. बाबा ने देखा एक ऐसे सितारों की सी दुनिया है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, जिसे परम धाम कहा जाता है, वहाँ से आत्माएं आ रही हैं, और वो आत्माएं जो सृष्टि पर जब आती हैं सितारे जैसी आत्माएं, कोई राजकुमार बन जाती है, कोई राजकुमारी बन जाती है, और इस प्रकार से बस वो आपस में खेल पाल कर रहे हैं. ऐसी सुखमय दुनिया जहाँ दुख का तो नामो निशानी नहीं, और उस दुख सुख की दुनिया को देखने में बाबा इतने तल्लीन हो गए, ऐसा बाबा को महसूस हो रहा था ये कौन सी दुनिया है. परमपिता परमात्मा ने बाबा को ये दृश्य दिखाया सतयुगी दुनिया का, कैसे आत्माएं आ रही हैं, विभिन्न राजकुमार राजकुमारियों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, कैसी दुनिया है, प्रकृति दासी है, पांचों तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश सब प्रकार से उनके में सुख ही सुख हर चीज़ में. तो एक तरफ बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया, दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का साक्षात्कार किया. तो ये दोनों देख करके बाबा की तो कुछ समझ में नहीं आया. तो ये और जब यह सब चल रहा था तो बाबा के मुख से बाबा के कानों में एक आवाज़ पड़ी. हाँ, जब ये नई दुनिया देखने में बाबा तल्लीन थे साक्षात्कार में, बाबा के कानों में आवाज़ पड़ी, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी सृष्टि तुम्हें बनानी है. बस बाबा के कानों में आवाज़ पड़ी. थोड़ी देर बाद बाबा जैसे ध्यान से नीचे उतरे, साक्षात्कार समाप्त हुआ. बाबा ने देखा और बाबा के मुंह से निकला वो कौन था, किसकी आवाज़ थी, वो क्या कह रहा था कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं. क्योंकि बाबा को उसकी कुछ भी मेथोडोलॉजी कुछ भी बात मालूम नहीं थी, केवल परमात्मा ने उनको डायरेक्शन दिया पहली बार, तुम ये इस नई सृष्टि के निमित्त हो, तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है. और इस प्रकार से बाबा ने उनका नाम भी बदल के, जो लेखराज था दादा लेखराज, तब बाबा ने उनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा को नई सृष्टि का क्रिएटर कहते हैं. इस प्रकार से बाबा यह सब दृश्य तो देखा, फिर भी बाबा भगवान की तलाश में थे, परमात्मा. और जैसा आपको बताया गया, बाबा ने इस प्रोसेस में भगवान को पाने में अनेक गुरु भी किए. एक बार
गुरु को निमंत्रण देके बाबा ने अपने यहाँ बुलाया हुआ था। गुरु के प्रति बाबा की बहुत अगाध श्रद्धा थी। गुरु का प्रवचन चल रहा था और गुरु के प्रवचन में बाबा बैठे हुए थे। एकाएक ही बाबा को कुछ अंदर अनुभूति हुई। बाबा उठकर अपने कमरे की तरफ गए और बाबा के पीछे पीछे बाबा की पुत्र वधू वह भी गई और उसने देखा। बस बाबा अपने कमरे में गए और कमरे में जा कर के बाबा जैसे बैठ गए और देखते ही देखते बाबा का कमरा पूरा जैसे लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया। बाबा का मुखड़ा भी पूरा लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया और बस ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा ही बाबा के अंदर बाबा के देह में तन में प्रवेश किया है। और तब मुख तो ब्रह्मा बाबा का था और तब एक आवाज़ उन्हें सुनाई दी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं शिव हूँ, निजानंद स्वरूप हूँ। मेरा नाम शिव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। तो ये पहली बार धरती पर इस सृष्टि पर परमपिता परमात्मा की प्रवेशता थी। अब परमात्मा तो है निराकार ज्योतिर्स्वरूप बिंदी स्वरूप, कैसे वो बोलेगा, किसी मुख का आधार लेगा। तो ब्रह्मा मुख का बाबा ने, शिव बाबा ने पहली बार आधार लेके ब्रह्मा के द्वारा अपना परिचय दिया कि मैं शिव हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये परमपिता परमात्मा की पहली दिव्य प्रवेशता थी। और इस दिव्य प्रवेशता के साथ साथ और धीरे धीरे बाबा ज्ञान के राज खोलते चले गए। नेचुरली एक प्रश्न हो सकता है कि उन्हीं का तन ही परमपिता परमात्मा शिव ने क्यों चुना, आपका मेरा या किसी का भी कोई और तन क्यों नहीं चुन लिया। तो वो भी परमपिता परमात्मा ने राज बताया कि ये जो आत्मा है दादा लेखराज, ये ही वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है। ये अपने अंतिम जन्म में इस समय दादा लेखराज के रूप में है और इसी का प्रथम जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ। और इस कारण से परमात्मा ने उसी तन को चुना आदि सो अंत में। तो इस प्रकार से ये परमपिता परमात्मा की पहली प्रवेशता और परमात्मा ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे बहुत लोग सत्संग में आने लगे, बाबा के यहाँ सत्संग शुरू हुआ और जो भी आता था बाबा को देखता था। बस बाबा को देखता देखता उसे बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देने लगते थे, कभी नारायण दिखाई देने लगते थे। चारों तरफ यह वातावरण बन गया, ये बात फैल गई कि यहाँ तो भगवान है, भगवान आते हैं। जिसका जो भक्त होता था उसको वही साक्षात्कार होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा चूँकि श्री कृष्ण की आत्मा थे तो इस कारण से ब्रह्मा बाबा के द्वारा हर एक आने वाले को या तो कृष्ण का या नारायण का इस प्रकार से साक्षात्कार होता था। उन्हीं आने वालों में एक बहन थी, कुमारी थी, नाम था उनका ओम राधे। बहुत ही ब्रिलियंट शार्प माइंडेड और उनका वो सितार बजाने में भी बड़ी प्रवीण थी और ज्ञान के द्वारा वह सब आत्माओं का उन्होंने दिल जीत लिया। हालांकि उनसे ज़्यादा आयु वाले भी थे लेकिन परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा उनको नाम दिया जगदम्बा मातेश्वरी। जैसे दादा लेखराज का नाम परिवर्तित होके प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पड़ा,
ऐसे इन ओम राधे का नाम परिवर्तित हो के जगदम्बा सरस्वती, और इस प्रकार से यह आत्मा जैसे क्लास का मॉनिटर होती है, और उन अवस्था में एक और बहन आई जिनका दादी प्रकाशमणि, युवा अवस्था का ये चित्र है, जो बाद में इस इंस्टीट्यूशन की चीफ भी बनी। और इस प्रकार से लगभग उस समय 300-400 कुमारी कुमारियाँ, माताएँ, कन्याएँ, बहनें, अधिकतर भाई भी थे, और उनके द्वारा यह सत्संग शुरू हुआ। तो बाबा ने तब एक बोर्डिंग स्कूल खोला जिनमें ये सब बहनें पढ़ते थे, और वो बोर्डिंग स्कूल में पूरा सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, लौकिक और अलौकिक। ये बाबा का अलौकिक परिवार है, और साथ ही साथ ये सब बहनें जो आप देख रहे हैं इतनी यंग एज में, जो वर्तमान समय दादियों के रूप में हैं। आज दादी जी भी देखा आपने, दादी जानकी जी, इनसे पहले और भी दादी प्रकाशमणि जी, यह सब इसी आयु एज ग्रुप के थे। यह लगभग 80 वर्ष पहले की 1936-37 की बात है। तो इस प्रकार से यह सब शुरू हुआ। बाबा इन बहनों को कराची में ये चल रहा था, और वहाँ क्लिफ्टन सी बीच वहाँ पर भी ले जाते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे, लेकिन अधिक बल होता था मेंटल एक्सरसाइज पर, कि मन को कैसे हम नियंत्रण में रखें, मन हमारा और शरीर के साथ साथ ये मन की एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से बाबा और मामा इनके द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई। तो सबसे पहली विजडम तो ब्रह्मा बाबा की यही थी, उन्होंने परमपिता परमात्मा को पहचान करके सबसे पहले अपना संपूर्ण चल अचल संपत्ति एक ट्रस्ट बनाया, कन्याओं माताओं का उनके नाम कर दी, और उसके बाद से बाबा ने जैसे कभी भी धन को हाथ नहीं लगाया। तो 1936 से लेकर लगभग 1950 तक कराची में यह तपस्या की इन सब माताओं कन्याओं बहनों ने, और अधिकतर वो थे, भाई लोग भी थे लेकिन मेजोरिटी इसमें बहनें थीं, और 14 साल तक ये तपस्या की उन्होंने, ज्ञान योग तपस्या, और इस प्रकार से अपनी आत्मा को धीरे धीरे पावन बनाने का पुरुषार्थ किया। फिर परमपिता उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो आपको मालूम है इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया पाकिस्तान में कितना खूने नाहक खेल हुआ, चारों तरफ खून खराबा। तब परमपिता परमात्मा का आदेश हुआ कि आप यहाँ से शिफ्ट करो और भारत में जाओ। अब वहाँ के पाकिस्तान गवर्नमेंट वगैरह, उन्होंने बहुत सुविधाएं सब दिया हुआ था, भले मेजॉरिटी वो मुस्लिम कंट्री था, लेकिन ये 3 साल तक 1947 के बाद ये पूरा ग्रुप 300-400 का वहाँ पर रहा, किसी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। वो कहा करते थे ये तो भगवान के दूत हैं, पैगंबर हैं, और इनके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, लेकिन परमात्मा का आदेश था कि यहाँ से शिफ्ट होके जाना है। तो एक ग्रुप आया और उसने यहाँ भारत में सर्वे करके ये माउंट आबू चुना, क्योंकि माउंट आबू एक ऐसी पहाड़ी जो कि आध्यात्मिक स्थल भी है और एकांत का स्थल भी है, और इन्हें मुख्य रीति से तपस्या करने के लिए, नई सृष्टि की स्थापना के लिए एक ऐसे ही स्थल की ज़रूरत थी जहाँ एकांत में बैठ के वो ज्ञान योग तपस्या आदि कर सके। तो इस कारण से वहाँ कराची से भारत आने की तैयारी हुई, ये शिप के द्वारा ये वहाँ से आए, और जामनगर के पास वहाँ पर जामनगर तक आए ये वहाँ, ये जहाज़ में बैठे हुए सारे के सारा ग्रुप आप देख रहे हैं किस प्रकार से शिफ्ट होते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से माउंट आबू तक, आबू रोड तक ट्रेन में आए। तो देख रहे हैं आप कितना एज ग्रुप, बिल्कुल सब छोटे एज के ही यह सब बहनें, और 300-400 का ग्रुप ऐसा था। तो ये पूरा हेडक्वार्टर वहाँ से शिफ्ट होकर के ये आबू में आया, माउंट आबू में, और ये आप देख रहे हैं आबू रोड स्टेशन पर आबू में आके, और यहाँ पर फिर इनका कई, शुरू में तो कुछ स्थान
किराए पर ही लिए गए, लेकिन धीरे धीरे पांडव भवन माउंट आबू में अपना स्थान बना और इस प्रकार से यह मम्मा बाबा यज्ञ के पालनहार, पूरे यज्ञ की स्थापना हुई, यज्ञ की पालना का यह पूरा का पूरा कार्य हुआ। तो अगर कोई विजडम का देखें तो सबसे पहले तो ईश्वर को पहचाना, ईश्वर के प्रति समर्पित हुए और ईश्वर की एक एक आज्ञा को पालन करते हुए यह यज्ञ की स्थापना हुई और यज्ञ की स्थापना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा ने पालना की और हर बात में बाबा की ज्ञान भरा हुआ होता था। फूल होता था, बाबा कहते हैं देखो ये तो जड़ फूल है फिर भी कितना खुशबू है, आप सब आत्माएं चैतन्य फूल हो, आप सबको फूलों की तरह बनना है। गुलाब का फूल होता है चाहे कांटे में भी रहता है लेकिन अपनी खुशबू फैलाता है। इसी प्रकार से आपको रहना इस दुनिया में ही है, भले विपरीत परिस्थितियाँ भी जीवन में आएंगी, कांटे आएंगे, लेकिन उनके बीच रहते हुए भी आपको सदा खुशबूदार महकदार फूल बनना है आदि आदि। और इस प्रकार से अलग अलग बहनें, जैसे एल्डर ब्रदर को, बड़े भाई को दादा कहते हैं सिंध में, ऐसे ही जो बड़ी बहन उनको दादी कहते हैं। तो एक दादी मनोर दादी के साथ ये फ़ोटो है और ये आप देख रहे हैं बाबा किस प्रकार से यज्ञ वत्सों के साथ अपना, कई बार बाबा टूर पर भी जाते थे आबू से बाहर, यह अलग अलग स्थान का कुछ टूर का है, लखनऊ में मामा का स्वागत, कानपुर में आदि आदि अलग अलग स्थानों पर। इस ये जो नीचे बैठे हुए ये दादी प्रकाशमणि जी हैं। तो बाबा जब थे 18 जनवरी 1969 को बाबा ने देह त्याग किया था, तो उसके बाद से ये दादी प्रकाशमणि ही चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बने और 2007 तक, 1969 से लेकर 2007 तक, इतने बड़े पीरियड तक, लगभग 38 वर्ष तक वो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे। तो ये किस प्रकार से बाबा विशेष ये अभ्यास कराते थे, आप सबको विदेही बनना है, अशरीरी बनना है, आप सब इस शरीर के अंदर वास्तव में आप आत्मा हो, शरीर में आत्मा नहीं, बल्कि यह समझना चाहिए कि मुझ आत्मा ने यह शरीर धारण किया है और इस शरीर के द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ, इन आँखों के द्वारा देखने वाली मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, इन कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूँ, ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ और आत्मा इस देह के द्वारा कर्म कर रही है, अपना पार्ट बजा रही है। इस प्रकार से मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, ये चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जैसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहेंगे, और इन्होंने पूरे यज्ञ की पालना की अप टू 1965। 24 जून 1965 को ममा ने देह त्याग किया यहीं माउंट आबू में, और जब देह त्याग किया यहाँ पर मातेश्वरी ने, तो भी बाबा ने बहुत ऐसी स्थिति सारी बच्चों की बनाए रखी कि देखो ये तो आत्मा ने जैसे अपना एक पुराना वस्त्र बदल करके नया वस्त्र लेने की तैयारी की है। वस्त्र बदलते हैं, नया वस्त्र लेते हैं, खुशी होती है, कोई दुख की बात नहीं, उसमें रोना थोड़ी होता है। और इस प्रकार से बाबा ने इन सब पूरा यज्ञ उसको इतना पक्का किया, इतना बड़ा किया कि हर एक मामा के बिछुड़ने का अंदर में तो थोड़ा सा उसकी फीलिंग थी, लेकिन वो हर एक ने फिर भी अपना कंपोज बना के रखा और किसी भी प्रकार की दुख अशांति का वातावरण नहीं हुआ। और इस प्रकार से यह यज्ञ आगे बढ़ता गया और तब बाबा ने मामा की जगह हमारी दो मुख्य बहनों को इसमें यहाँ पर अपॉइंट किया मामा का कार्यभार देखने के लिए। ये हैं दीदी मनमोहनी जी, आप में से काफ़ी भाई बहनें मनमोहनी वन में रुके हुए हैं ना, वो इन्हीं के नाम पर ही पड़ा है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मामा के बाद, ये और दादी प्रकाशमणि जी, इन दोनों ने मिलकर के सारा कार्यभार संभाला, ये दीदी मनमोहनी जी।
उन्हीं की स्मृति में ये मनमोहनी वन बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये मनमोहनी वन ये बना, बाद में ये तो दीदी मनमोहनी जी और दादी प्रकाशमणि जी, आप दोनों ने मिलकर अप टू सम 1982 तक, ये दीदी मनमोहनी जी 1982 तक थे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। और उस दौरान बहुत सारे हमारे ब्रांचेस की स्थापना हुई भारत में और भारत के बाहर भी। हमारा पहला डेलीगेशन विदेश में 1976-4 में गया, और उस डेलीगेशन के बाद विदेशों में भी हमारी ब्रांचेस खुलनी आरंभ हो गई। ये बाबा के साथ जो भी ग्रुप आते थे, ब्रांचेस खुलते थे, वहाँ से बाबा के से मिलने के लिए आते थे, और भगवान को बाबा से मिल करके एक अजीब ही सुखद स्मृति वो लेकर जाते थे। बाबा ने कैसे पालना की एक एक बच्चे को, वो पालना की ये कुछ चित्र आप देख रहे हैं, किस प्रकार से बाबा एक एक बच्चे को माता पिता अलौकिक माता पिता की भासना देते थे, और बस यही बताते थे कि सबका मालिक तो एक परमात्मा ही है। उस समय ये ईमेल और इंटरनेट आदि तो होते नहीं थे, 1960s वगैरह की बात है, तो बाबा एक एक बच्चों को भी जो भी होता था पत्र लिखते थे, और पत्र बच्चों के आते थे, बाबा उनका रिस्पॉन्ड देते थे। और ये पत्र भी अद्भुत, ये देखिए एक पत्र है, ये लाल लाल अक्षरों में सिंधी में बाबा पत्र लिखते थे, और उसमें अब सिंधी तो सब जानते नहीं, तो उसके बीच की लाइनों में स्पेस में हिंदी में उसका अनुवाद करके लिखा जाता था, और इस प्रकार से सब पढ़ा करते थे। मुझे भी ये सौभाग्य मिला है बाबा के साथ रहने का और बाबा से पत्र व्यवहार करने का। और ये आप में से काफ़ी गए होंगे, या कल आपका जाने का दिन है माउंट आबू, तो पांडव भवन में जाएंगे तो वो चार धाम वहाँ भी करेंगे, जैसे भक्ति के चार धाम प्रसिद्ध हैं, तो बाबा की झोपड़ी है वहाँ पर, ये देखेंगे जहाँ बैठ के अधिकतर बाबा तपस्या किया करते थे, एकांत में पत्र लिखा करते थे, वो आप उसका अवलोकन करेंगे। ये हिस्ट्री हॉल है जो वहाँ का क्लासरूम है, जहाँ पर बैठ के बाबा क्लास कराया करते थे वो, साथ ही साथ ये हिस्ट्री हॉल मधुबन में जाएंगे आप वहाँ देखेंगे। फिर बाबा का कमरा, तो अभी तो थोड़ा बड़ा बनाया गया है, नहीं तो बहुत ही छोटा, एक 10x8 का, 10x10 का जैसे छोटा सा रूम था, एक तरफ एक चारपाई पड़ी होती थी, एक तरफ गद्दा पड़ा होता था जिस पर बाबा बच्चों से मिलते थे और प्रसाद खिलाते थे, और बहुत ही छोटा, लेकिन भगवान से बाबा से मिल करके ऐसी अनुभूति होती थी, दिल एकदम गदगद हो जाता था, और ऐसी अनुभूति होती थी कि बस जैसे जीवन की सब चीज़ें हमने प्राप्त कर ली। और इस प्रकार से समय गुजरता रहा, और बाबा ने भी 18 जनवरी 1969 में अपना देह त्याग किया, और बाबा अव्यक्त हो गए, यानी व्यक्त देह को त्याग करके बाबा अशरीरी हो गए। और उन्हीं की स्मृति में एक वहाँ पर शांति स्तंभ बनाया गया है, वो भी आप वहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार से ये चार धाम हैं, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और बाबा की झोपड़ी। पांडव भवन में कल आप जाएंगे या उससे पहले भी हो सकता है कोई हो आए हों, इन चार को आप वहाँ पर देखेंगे। वहाँ का वातावरण ऐसा है, इतना स्पिरिचुअली चार्ज्ड वातावरण, आप जाएंगे बाबा के कमरे में बैठेंगे, शांति स्तंभ पे जाएंगे, बस जो भी मनोकामना हो, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तो मन के अंदर जो विष वो आप देखेंगे, शुद्ध शुभ चीज़ होगी, शुभ भावना होगी, वो पूरी होते देर नहीं लगती, आप उसकी पूर्ति का अनुभव करेंगे। ये शांति स्तंभ में ना बस 18 जनवरी को उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। सब ये यहाँ की चार बातें हैं, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा की झोपड़ी, ये दिखाया गया है। उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका के रूप में हुई 1969 से लेकर 2007 तक, और इनके शासनकाल में इस इंस्टीट्यूशन ने बहुत बहुत
वृद्धि की और इसमें ही लगभग इतने सारे देशों में ब्रांचेस हुए पांचों कॉन्टिनेंट में के अंदर और उस समय तक लगभग 110 देश में ये संस्था फैल चुकी थी और इस प्रकार से ये चलता रहा। ये दादी प्रकाशमणि जो पीछे देख रहे हैं राइट साइड में इधर दीदी मनमोहनी जी, इन दोनों की जोड़ी ने, इन्हें हंसों की जोड़ी जैसे कहा जाता था, इन दोनों का ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे विश्व भर में इस संस्था का बहुत एक्सपेंशन हुआ। देखिए कहा जाता था तन दो हैं प्राण एक है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था को, वो भी बहनों की संस्था को विशेष करके संभाल के रखना और एक्सपेंशन, और ये हमारी मुख्य मुख्य यज्ञ की वरिष्ठ दादियां हैं, ये सब उनकी सहयोगी भुजाएं, और ये आठ दादियां यहाँ पर आपके सम्मुख बताई गई हैं अलग अलग इन सब के नाम। मधुबन में, और जैसे बताया 1974 में पहला यहाँ से डेलीगेशन विदेश में गया और उसके बाद से वहाँ से मधुबन, जब वहाँ ब्रांचेज हुए तो वहाँ से ये फर्स्ट डेलीगेशन विदेशी भाइयों का, बहनों का आया हुआ है जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और इस प्रकार से अपना ईश्वरीय ज्ञान में पदार्पण किया। ये माउंट आबू का ओम शांति भवन है, इसका भी कल आप जाएंगे अवलोकन करेंगे और वहाँ अलग अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंसेज और ये सब होती रहती हैं। वहाँ का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है माउंट आबू का ज्ञान सरोवर, ये ज्ञान सर जो हमारा एकेडमी कॉम्प्लेक्स है जिसे एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड कहा जाता है। ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है हमारा। ये एक पिछड़ा इलाका है आबू आदिवासी, यहाँ ये आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पर इतने मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इन आदिवासी जनता के उसके लाभार्थ एक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 120 बेड का वहाँ पर खोला गया है अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ, जिसमें ऑलपैथीज, हाँ, एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, ये सब फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी आदि हर चीज़ उपलब्ध है। ये तो डायमंड हॉल जिसमें आप बैठे हैं, ये शांतिवन का डायमंड हॉल है जिसके अंदर देख ही रहे हैं आप कितना विशाल डायमंड हॉल है ये। ये दादी प्रकाशमणि जी के साथ, दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में देह त्याग किया, उनकी स्मृति में सामने ही प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ये प्रकाश स्तंभ आप अवलोकन करते ही होंगे रोज़। और वर्तमान समय दादी जानकी जी जो कल शाम को भी आए थे या परसों भी उद्घाटन में, ये मुख्य प्रशासिका हैं और जो 101 वर्ष की आयु जिनकी है, और इस आयु में भी कल रात आपसे मिल करके ये हमारे ऊपर माउंट आबू कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग कोई भी संस्था की जो डेवलपमेंट है उसके मैन पावर पर डिपेंड करती है, तो कुमारियों को प्रशिक्षण देते हुए ये किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारियाँ नई कैसे डेवलप हों, वो पूरा उसकी शिक्षा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय देता रहा है। और वर्तमान समय ऐसी लगभग 25,000 से अधिक बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन भी इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। जन जागृति की भी विशाल सेवाएँ होती रहती हैं। ये दादी हृदय मोहनी जी सह मुख्य प्रशासिका हैं, वर्तमान समय अभी दिल्ली में है हमारा, वहाँ पर ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके द्वारा हम अब वर्तमान परमपिता परमात्मा शिव से मिलते हैं इनके द्वारा। ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जब ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परमात्मा आते थे तो हम उनसे मिला करते थे, भगवान से, दादा लेखराज यानी प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू। और उनका जब देह त्याग हुआ उसके बाद से ये तन मुकर्रर है दादी हृदय मोहनी जी का, इनके थ्रू सब हम सब बच्चे परमपिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। ये अव्यक्त बाप दादा यानी कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा और साथ में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों कैसे इस तन में आते हैं और बच्चों से मिलन मनाते हैं। इस प्रकार से यह है तो बहुत बहुत बड़ा, विदेशों में कैसी सेवाएं हुई, 140 से अधिक देशों में चल रहा है, लेकिन संक्षिप्त में
ये एक सिंगल मैन की विजडम थी ब्रह्मा बाबा की कि उन्होंने परमात्मा को पहचाना और इस प्रकार से इस संस्था को आज इस मुकाम तक पहुँचाया जो लार्जेस्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। और ये बहुत गौरव की बात है कि हम सब इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब भी आए हैं, आपका अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अभी हम एक और विभूति से सुनेंगे जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं, हमारी आदरणीय गोदावरी दीदी जी का। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय दूंगी। आप 1958 में इस ईश्वरीय सेवा में इस ज्ञान को ज्ञान में आए और 1974 में आपने अपना जीवन इस सेवाओं में समर्पित किया और आप वर्तमान में मुलुंद और आसपास के सेवा केंद्र, जैसे कि थाने हैं, उस आसपास के सेवा केंद्र को चीफ के रूप में बहुत अच्छी वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और आप जोनल कोऑर्डिनेटर साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के, महाराष्ट्र जोन के हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि आदरणीय दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव साकार माध्यम के द्वारा जो आपने अनुभव किया वो हमारे सामने स्पष्ट रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आप सभी इस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, आज विशेष प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में जितना भी हम शब्द कहें वो कम ही कम होगा। जैसे भगवान की महिमा में कहते हैं कि असित गिरी समस्यात गजलम सिंधु पात्रे, सारे जमीन को कागज बना दो, समुद्र को शाही बना दो, जितने भी पेड़ हैं उनकी डालियों को कलम बना दो, फिर भी भगवान की महिमा अपरम अपार है। वैसे जिस तन में स्वयं परमात्मा पिता प्रवेश हुए और उनके द्वारा जो शिक्षाएं मिली वो तो अथाह है, अगाध है। उनका वर्णन करना शब्दों में बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें याद आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का अभी लौकिक जो जीवन कहानी भी सुनी, उनका लौकिक जन्म कराची में संध में वहाँ हुआ और यहाँ हम उस टाइम पर तो हमारा जन्म भी नहीं था, लेकिन यहाँ जब से जन्म लिया तो वो याद आता है कि छोटी एज में ही, एक साल की हम थी तभी से लेकर के हमको कुछ ईश्वरीय संकेत मिल रहे थे। अभी एक साल के बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिलते रहते थे कि जिससे उस टाइम पर ही ऐसी बुद्धि में समझ आती थी कि जीवन कुछ और होना चाहिए। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, शॉर्ट में बताती हूँ कि जब मैं बड़ी हुई, 5-6 साल की पढ़ रही थी, तभी मुझे अचानक ही एकदम ऐसा भास हुआ कि बच्ची तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसे 3 बार आवाज़ आई। और मैं उसी दिन से थोड़ा बहुत ही गंभीरता आ गई कि ये तुम कौन हो, ये कहने वाला अदृश्य शक्ति हमारे पीछे कौन है। तो वो 5 साल के बाद और अच्छे घर में जन्म लिया हुआ, पले हुए, संस्कार भी हमारे हमेशा सात्विक रहे, लेकिन
ये बात दिल को होती थी कि ये किसने कहा तुम कौन हो. और इस तरह से हमने फिर बल पढ़ते थे. ये साइड में पढ़ाई भी चालू थी लेकिन साथ साथ में कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन चालू किया. तो कई पुस्तक मैं पढ़ती थी तो उसमें मैं मेरे मन का ही आवाज़ ढूंढती थी कि ये किस में कि तुम कौन हो, कहाँ, कौन ये मुझे कह रहा है. ऐसा करके बहुत समय हमारा कुछ 8-9 साल ऐसे ही गया. फिर गुरु भी हमको मिलते गए तो याद आया कि जो बाबा ब्रह्मा बाबा के जो गुरु थे राजी महाराज, उनकी ही शिष्या एक आनंदी माँ थी. तो वो हमारे लौकिक में गुरु थे. कहने का भाव यही है कि यही शब्द हमारे मन में जो संकेत मिलता था उसको ढूंढती थी. कुछ समय के बाद ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय की शाखा एक मुंबई में आई. मुंबई में रिगल सिनेमा के सामने वाटरलू मेंशन है, वहाँ जब पहले ये शाखा आई तो अचानक ही हमारे लौकी घर में कोई बहन आई, बोला कि बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है और आप वहाँ चलो. वहाँ हमारा जाना हुआ और पहले दिन जैसे हमारा जाना हुआ तो वहाँ बहुत ऐसा सत्संग चल रहा था. लेकिन उसके पहले हमने बहुत सारे शास्त्रों के भी स्टडी किया और सत्संगों में भी मुंबई में तो कोई कमी नहीं थी. माधोबाग में वहाँ जाते आते थे, साधु संत महात्माएं भी बहुत मिलते रहते थे. लेकिन मुझे ऐसा अंदर में एहसास हो रहा था कि अरे मनुष्य का जीवन किस लिए है, किस लिए? क्योंकि मानव जीवन प्राप्त करके अगर हमने किसी की भलाई नहीं किया, अच्छाई नहीं किया, या हमारे जीवन से किसी को कुछ नहीं मिला तो बाकी ये ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? और किसी को घर में ऐसा बता नहीं सकते थे कि दिल के अंदर ये आस है, ये प्यास है कुछ कारणों से, क्योंकि क्या कमी है, जो क्या ज़रूरत है इन सारी बातों की. तो फिर मन में मैं भगवान का ऐसे चिंतन करती रहती थी कि प्रभु आप है न, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, मुझे आपकी सत्यता, स्पष्टता, जरा आप पीछे से क्यों, आगे ही आप आकर के मुझे मिलो तो ज़्यादा अच्छा है. तो कुछ समय के बाद ये घर मिला भगवान का. मैं गई उसी दिन, ऐसे सत्संग चल रहा था तो मुझे कुछ समय थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये कुछ अनोखा सत्संग लग रहा है. कोई भजन नहीं कर रहा है, कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, कोई जाप नहीं जप रहा है, कुछ नहीं, गुरु भी नहीं दिखाई दे रहा है और सभी कुछ अलग अलग सा लगा. एक सेकंड के लिए वो विचार आया लेकिन फिर तुरंत ही ऐसा हुआ कि नहीं, ये कुछ हमको विचार नहीं करना चाहिए. जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही होगा और जिसका जो नियम है उस अनुसार होता रहेगा. फिर उन्होंने कहा कि चलो सभी मेडिटेशन करें, ध्यान में बैठे. तो जैसे ही मैं भी साथ में ध्यान में बैठी तो उसी दिन ही हमको, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुआ था, उसी दिन ही हमको पहली बार ही साक्षात्कार निराकार शिव को मैं मानती थी बहुत ही. तो साक्षात्कार हुआ तो साक्षात्कार में ही मैंने शिव परमात्मा के साथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा, क्योंकि पहले देखा नहीं था. साक्षात्कार में ही उन्हों को देखा. जब ये दर्शन कहो या साक्षात्कार कहो, तो वो जब ही देखा तभी हमको लगा कि सचमुच ये तो कोई अद्भुत, अलौकिक, कोई अद्वितीय विभूति है और जिसमें परमात्मा मुझे निराकार शिव कह रहे हैं.
कि बच्ची जो आप मुझे ढूंढ रही थी या मेरे लिए तलाश कर रही थी तो मैं अभी इसी तन में अवतरित हो चुका हूँ। और जो शास्त्र में पढ़ती थी उसमें भी था कि ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा पूरी विश्व के रचयिता है, तो यही ब्रह्मा है। और शास्त्र में भी मैं पढ़ती थी कि ब्रह्मा के मुख के द्वारा कई आत्माएं निकली, तो उस टाइम पर भी मुझे ऐसा कभी छोटेपन में ख्याल आता था कि वो सभी मुख से निकले। तो मेरी लौकिक माँ को मैंने कहा कि मम्मी इसके मुख से हम भी तो निकले होंगे ना, तो लौकिक माँ हंसने लगी कि वो तो अभी अभी की बात नहीं है, बहुत समय पहले की बात होगी, तो अभी क्यों ये सारा चिंतन करती हो। तो इसके बाद फिर हमको एकदम ही बहुत ही ऐसा ही होने लगा कि यहाँ कुछ जो मेरे मन की चाहना है, आस है कि मुझे एक प्रभु की प्राप्ति की ही आस है। मन की शांति का तो कोई सवाल था ही नहीं, शांति थी, सुख था, खुशी थी, आनंद था, सब कुछ था, परंतु ये प्रभु की प्राप्ति कैसे हो। तो यहाँ आने के बाद भी जैसे हमने अंतरिक्ष युग जैसे जिसमें देखा अंतरात्मा में और बताया कि मैं यहाँ ही आ चुका हूँ, तो बस एक उस समय से ही नेचुरली ही ऐसी दृढ़ता हो गई कि बस भगवान का जैसे मुझे मिलन चाहता था वैसे मिलन हो चुका है। और कुछ समय के बाद ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मुंबई में पधारे और मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उनके बारे में कुछ गीत ऐसे ऐसे अंदर में आ रहे थे, उनकी रचना मैं करती रहती थी कि आए श्री बाबा, आए ब्रह्मा के तन में आए, गीता का ज्ञान सुनाए, कल्प कल्प आए, हमारी आत्मा को जगाए। तो वो गीत हमने अपनी जिससे हमको ये कोर्स मिला था दादी जी कर से, उन दादी जी को बताया कि देखो दादी जी मुझे ऐसी ऐसी प्रेरणा आई है, बोले देखो ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं ना, आप उनके सामने ये गीत जरूर गाना। तो जब ब्रह्मा बाबा आए और मिले तो ये गीत हमने गाया, ब्रह्मा बाबा सामने ही थे। तो जैसे ही गीत गा कर के हम बाद में मिलने लगी तो तुरंत ही ब्रह्मा बाबा माने हमने देखा कि जैसे वो भगवान को कहते हैं कि वो दाता है, वरदाता है, विधाता है, तो ब्रह्मा बाबा भी हर एक आत्माओं की जैसे जन्मपत्री को जानता ही हो, तो इसी तरह से ही हम खड़ी रही। तो दादी जी को बाबा कहते हैं कि देखो ये जो आत्मा है ना, वो 5000 वर्ष पूर्व की आत्मा है, ये मेरा ही बच्चा है, कुछ समय से बिछड़ गया था और आज फिर से मिल गया है। तो कहा कि मुझे बच्ची अभी आपको क्या चाहिए, मैं कहा बस मुझे यही मिलन चाहता था जो आज मुझे मेरी सभी मना अंतरात्मा की इच्छाएं पूरी हुई। तो बाबा ने उस टाइम पर ही कहा कि बच्ची तथास्तु, तेरी जो भी इच्छाएं थी मन में तो अभी आज से जो मेरा कर्तव्य है मानव सेवा का और हर आत्माओं को शुभ संदेश देने का, और जो आत्माएं अभी वर्तमान समय बुद्धि से कहो आत्मा से कहो म्लेच्छ हो गई है, जिसके ऊपर 5 विकारों की झंक लगी है, कट लगी है, तो ऐसी म्लेच्छ आत्माओं को स्वच्छ बनाना, पावन बनाना, पवित्र बनाना। तो वर्तमान समय ये कलयुगी सृष्टि को बदलने के लिए मैंने आप जैसी आत्माओं को ये सृष्टि पर भेजा है, और अभी जो मुझ बाप का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है,
वही आप बच्चों का भी कर्तव्य है। आप जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी पैर रखेगी, तो वहाँ ये बाप का परिचय अथवा जो भी ऐसी आत्माएं होगी उनको पावन बनने का, स्वच्छ बनने का एक नई शक्ति, नई प्रेरणाएं मिलती रहेगी। और बस आपके हर कदम में बाप यही वरदान देता है कि सफलता आपके जीवन का अंग होगा और सफलता आपके जीवन का एक अधिकार भी बना रहेगा। ऐसे बाबा ने वरदान दिया और अभी तक भी, उसके बाद भी मैं ब्रह्मा बाबा के अंग संग काफ़ी रही और उनके हर कदम कदम में, जिसको कहा जाता है पद्मा पद्म, पद्मों की कमाई लौकिक नहीं लेकिन अलौकिकता की कमाई, कि हर कदम में बाबा के एक वो दृष्टिकोण इतना विशाल, सागर से भी अधिक, आसमान से भी ऊंचा, देखने में ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल सादा जीवन, परंतु उनको पहचानने के लिए उनके अंदर जो शक्ति प्रवेश करती है। और जो ब्रह्मा बाबा, मुझे कई बार घर बैठे भी उनका दर्शन होता रहता था, फिर जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी रहती थी तो मैं ऐसा देखूं तो एक सेकंड के लिए मुझे निराकार शिव परमात्मा दिखाई दे रहा है, फिर मैं ऐसा करती थी तो मुझे कृष्ण का रूप दिखाई देता था। अगर ये किसी को कहो तो कोई यही कहेंगे कि इनकी कुछ भावना होगी या मन की कल्पना होगी इसलिए ऐसा हो रहा है, परंतु ये नहीं था, ये प्रैक्टिकल सचमुच, ये एक ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई कल्पना थी, ये रियलिटी थी। जो फिर जैसा जैसा संपर्क में आते गए तो ब्रह्मा बाबा की अथाह शिक्षाएं जो मिली, उन शिक्षाओं में तो इतना हमको जैसे जीवन को इतना पावन बना दिया, स्वच्छ बना दिया। और उनकी शिक्षाएं रग रग में, जैसे कहते हैं कि बाबा ने इतनी शिक्षाओं से बुद्धि को भरा कि जो शिक्षाएं हर पल हर घड़ी में, ऐसा होता है कि पुण्य का खाता मानव जीवन को जमा करना हो तो उनकी यही शिक्षाएं रही कि हमेशा बच्चे इतनी, एक तो अपने स्वरूप को निराकारी स्वरूप बनाओ, बस साकार में रहते हो, आपको हर कार्य करने का है लेकिन आपकी आत्मा का जो आया अकेला जाना अकेला है, कुछ साथ नहीं लेके जाना है, परंतु यही सोचना है कि मुझे आत्मा का असली घर परम धाम है जहाँ से आत्माएं आई है, वापस वहीं जाने का है, तो उसी घर के लिए एक निराकारी स्वरूप और प्रैक्टिकल जीवन में निरहंकारी। अहंकार किस बात का करें, जब हम जन्म लिया तभी कुछ लेके नहीं आए थे, जब जाएंगे तभी कुछ लेके नहीं जाएंगे, बीच का जो कुछ वैभव मिला, वस्तुएं मिली या व्यक्तियां मिली, वो भी सभी नश्वर है, तो अभिमान काहे का करें। तो वो भी बातों से जैसे निरहंकारी भी, निरहंकारीपना भी रहा, निराकारी निरहंकारीपन और निर्विकारी, क्योंकि मन में बुद्धि में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आवे। और ऐसा परम चिंतन बुद्धि में, बस एक प्रभु की याद के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय और किसको याद ही न रहे, जिसको हम योगा कहते हैं, प्रैक्टिकल में मेडिटेशन भी कहते हैं, तो कईयों को वो करने के लिए कितनी तकलीफ़ होती है, मन इतना बिखरा हुआ पड़ा रहता है, उनको जल्दी से एकाग्र नहीं होता है, परंतु हमें अपना निजी अनुभव है कि बाबा की दुआ से, मदद से, पहले दिन से ऑटोमेटिक जैसे मन एकदम एकाग्र हो गया और बुद्धि की कोई जन्म का भी संचित होगा, जो नेचुरली हम प्रभु को याद करें या नहीं करें,
लेकिन ऐसा अनुभव होने लगा कि प्रभु ही हमको घड़ी घड़ी याद कर रहा है, बुला रहा है और अपने कार्य में लगा रहा है। तो इसी तरह से वो दिन आज की घड़ी तक भी जहाँ भी कदम रखा, जहाँ भी गए, वहाँ बाबा के घर खुलते गए और हजारों नहीं लाखों आत्माएं इस ज्ञान को प्राप्त करने लगी और ऑटोमेटिक उनकी अंतर चक्षु भी खुलने लगे और ऐसा हरेक को एहसास होने लगा कि सचमुच ये एक संस्था, कई समझते थे कि ये संस्था कुछ अलग ही संस्था है, धर्म भी सारा कुछ शायद अलग ही है। शुरू शुरू में तो हम लोगों को भी बहुत ही सभी ने भड़काया बहकाया, बहुत ही सभी संबंधियों को भी कुछ कुछ कहने लगे, लेकिन हमारा मन इतना जो अनुभव किया था तो उसके आधार से इतना अचल था, अटल था। तो हम इन लोगों को यही बात करती थी कि आप एक बात ध्यान पे रखिए कि जात न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दीजिए म्यान। आप ये सोचो, सिर्फ ये नहीं कहो ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जो खजाना है, जो भगवान की प्राप्ति का अनमोल रत्न है, वो आज के संसार के अंदर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी इस पूरे दुनिया में घूम लो, चार धाम की यात्राएं कर लो, हर स्थान स्थान पे जाओ, लेकिन यहाँ दो घड़ी शांति से भी जो प्राप्तियाँ होती है, अनुभूतियाँ होती है, वो सारी जिंदगी भी अगर तपस्या करोगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था शास्त्रों के अंदर कि एक व्यक्ति झाड़ के नीचे बैठा था, तपस्या कर रहा था, नारद मुनि वहाँ आए या कोई व्यक्ति आया, बोले क्या चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो बोले वो तो झाड़ के नीचे बैठे हो, जितना पत्ता है उतने आपके जन्म हो जाएंगे, बाद में भगवान मिलेगा। तो उनको वहाँ भी दिखाया है कि संतुष्टता हुई कि उतने पत्ते के जन्म के बाद में मुझे भगवान तो मिलेगा, मतलब हमको तो यहाँ इसी जन्म में उनकी इतनी सहज ही प्राप्ति हुई, जो सहज ज्ञान राज्यों के अभ्यास से, और इतना भगवान के द्वारा अभी भी अविरत उनका जो कार्य चल रहा है, उनकी टचिंग को हो, कैचिंग को हो, प्रभु की जो कुछ कार्य करवाना होता है उनका कुछ समय पहले ही, जैसे उनका संकेत, जैसे आज नहीं कई विज्ञान के साधनों से मालूम पड़ता है, वैसे योग बल से या परमात्मा की याद की शक्ति से वो ख्याल आ ही जाता है कि ये कार्य अभी भगवान का करने का है, बाकी यहाँ यहाँ जाने का है, इन इनको संदेश देने का है, और ये हमको करने का ही है, तो उनकी शक्ति द्वारा ये अवश्य प्राप्तियाँ हो ही जाती है। तो हमारा कहने का भाव कि हम बहुत समय तक ब्रह्मा बाबा के अंग संग भी रहे, मम्मा के साथ भी रहे, दादियों के साथ भी रहे, परंतु सभी से बहुत ही गुणग्राही माना, हमने देखा कि यहाँ कोई प्रकार का किसी से अवगुण देखना, किसी की निंदा नुक्ताचीनी झूठ बोलना, किसी के अवगुणों का चिंतन करना, ये कुछ भी नहीं है। इतनी आत्मा को पवित्र स्वच्छ बनाने की शिक्षाएं जो दी जाती है, और हमने तो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पालना लिया, परवरिश लिया, से तो अथाह शिक्षाएं हैं, कितनी सुनावे कितनी आप सुनेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी सुनते आए थे वो प्रैक्टिकल परमात्मा का दिव्य अवतरण यहाँ हो चुका है, और ये एक बहुत हर्ष की बात है, जो भगवान को आप कहाँ ढूंढेंगे, भगवान तो यहाँ ही आ चुका है, और ये उनकी ही लीला है, उनका ही कर्तव्य है, और उनकी ही फल स्वरूप पूरे विश्व के अंदर एक व्यक्ति कहाँ कहाँ पहुँचेगा, लेकिन उनकी शक्ति देश में विदेश में भी हम परिभ्रमण किया तो देखा कि हर एक के घर में शिव बाबा का फोटो, ब्रह्मा बाबा का फोटो, और यही जैसे देख रहे हैं तो लगता है कि निराकर परमात्मा पिता की जो शुभ अवतरण है, उनका दिव्य अवतरण है, वो चुका है, और वो उनके द्वारा अभी भी ये संस्था के हजारों ने लाखों लोग इसमें
इकदरी धोकर के चाहे कोई भी जाति भांति का व्यक्ति हो वो सभी इसमें लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी को भी हमारा इतना ही देख करके बड़ी खुशी होती है और यही होता है कि आप यहाँ आए हो, तीन चार दिन आपको हो चुके हैं, पर जाने के बाद भी आप इस चीज़ को भूलिए मत। एक तो परमात्मा को याद करने का कैसे करें क्या करें, और स्वयं की पहचान भी साथ लेके जाइए, मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, इस लक्ष्य को भी साथ में रखिए। अगर ये सारी बातें जीवन में होगी तो हम गारंटी करके कहते हैं कि सचमुच ये जीवन मानव से देवता बन ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, आपने बहुत अच्छा अपना साकार बाबा के साथ का अनुभव सुनाया। तो अभी इस सत्र को हम पूरा करते हैं, तो आदरणीय भाई साहब का और दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपने समय पर